Hello and welcome to SPMI's Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19 July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Rupee Dirham forex market. Now this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो करंट न्यूज आप यहीं से पढ़ सकते हैं इंडिया यूएई साइन पैक्ट्स ऑन लोकल करेंसीज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड तो साफ साफ इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है जी कि अब इंडिया और यूएई आपस में जब ट्रेड करेंगे तो वो अपनी अपनी करेंसी दैट इज़ रुपी एंड देरहम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं देन विल कम टू द करेंट कॉन्टेक्स्ट रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज ऑन ऑफिशियल विजिट टू यू और वहाँ पे उन्होंने यूएई के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जिसको रूपी दिरहम ट्रेड अग्रीमेंट कह रहे हैं और इस अग्रीमेंट के हिसाब से नाउ इंडिया एंड यूएई के जो ट्रेडर्स हैं वो आपस में लोकल करेंसीज़ में ट्रेड कर सकते हैं तो ये जो अग्रीमेंट है दैट इज़ पार्ट ऑफ द ओवरऑल लार्जर गोल ऑफ डी डॉलराइजेशन डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड मैंने कई सारे आर्टिकल हाल फिलहाल में कवर किए हैं जहां मैंने आपको बताया है कि डी डॉलराइजेशन इज़ ए रिसेंट फिनोमिना इन वर्ल्ड इकोनॉमी वे आर द मेजर इकॉनमीज़ लाइक चाइना रसिया इंडिया आर एमिंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन यू डॉलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड हम नहीं चाहते ये जितने भी लार्जर इकोनॉमीज़ हैं दे डोंट वॉन्ट टू रिमेन कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू एस करेंसी दैट इज़ डॉलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि उससे कई सारे नुकसान हो सकते हैं एक एग्जाम्पल मैंने आपको जब फ्रांस के अंदर यू का इस्तेमाल किए जाने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया हाल फिलहाल में इंडिया ने तो वहाँ पे मैंने उस एनालिसिस में आपको बताया था कि रसिया के ऊपर स्विफ्ट बैन हैज़ बीन एन आई ओपनर फॉर मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड की जिस तरीके से रसिया के ऊपर बैन लगा करके रशियन इकोनोमी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया यू ने इस तरीके से यू अपने ग्लोबल फाइनेंशियल पोजिशन का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी इकोनमी को ट्रबल कर सकता है इन केस देर इज़ एनी टेंसन ऑफ दैट कंट्री विद द यू अगर इंडिया का कुछ टेंशन हो जाता है यू के साथ कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इशूज़ होते हैं तो यू बिना किसी वेपन का इस्तेमाल किए हुए भी इंडिया चाइना या यू, रसिया जैसे देशों को हरास कर सकता है बाय यूजिंग इट्स डोमिनेंस इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इट्स डोमिनेंस बिकॉज ऑफ डॉलर बीइंग एक्सेप्टेड एज इंटरनेशनल करेंसी और इससे इसको लेकर के कोई दुनिया में कानून भी नहीं है जैसे वेपन के इस्तेमाल करने पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन करेंसी को लेकर के उससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन लगाने पर कोई कानून भी नहीं है तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और उसके बाद जब स्विफ्ट बैन लगा रशिया पे तब से ही ये डी डॉलराइजेशन फिनना जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनोमी में और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं करेंटली इंडिया हैज़ बिन वेरी प्रोएक्टिवली प्रमोटिंग इट्स ओन करेंसी फॉर मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड और उसी का आप ला, उसी लार्जर प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हैं इस करेंट डेवलपमेंट को रुपीट डेर हम ट्रेड पार्ट बिटवीन इंडिया एंड यू तो इससे क्या फायदा होगा इससे ये फायदा होगा कि अब इंडिया और यू के जो ट्रेड्स मैन हैं जो बिजनेसमैन है दे कैन नाउ ट्रेड बाय यूजिंग दियर लोकल करेंसी जिससे डॉलर पे एक्सेसिव डिपेंडेंस कम होगी एंड दैट विल रिड्यूस ओवरऑल वोलेटिलिटी या वलरेबिलिटी ऑफ इंडिया एज फार एज फ्लक्चुएसन इन द डॉलर वैल्यू इज कंसर्नड तो हाउ दिस रुपी देर हम ट्रेड अग्रीमेंट विल वर्क कैसे ये काम करेगा देखिए नॉर्मली तो इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा ज़्यादा डॉलर में होता है क्यों क्योंकि डॉलर इज़ बैक्ड बाय द यूएस एस डॉलर यूएस एस की करेंसी है विच इज़ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज़ वाई डॉलर इज ईजीली एक्सेप्टेड इन द इंटरनेशनल मार्केट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सो इसी कारण से ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है कुछ दिनों पहले भी मैं, मैंने आपको बताया था कि लगभग एट्टी इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है बट डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड होने के कारण इंडिया जैसे देशों को इंडिया ब्रसिया जैसे देशों को बहुत ज़्यादा वल्लरेबिलिटी होती है फॉर एग्जाम्पल क्यों वलरेबिलिटी होती है समझिए हमें कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करना है वो डॉलर में करना है अब डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाती है हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया एक डॉलर बराबर अस्सी था फिर वो कमज़ोर होकर के एटी फाइव हो गया तो नाउ वी पेमेंट हमें एक डॉलर ही भले करना है बट फॉर वन डॉलर इन रुपी नाउ वी विल हैव टू पे मोर अर्लीअर वी वर पेइंग एटी रुपीज़ नाउ वील हैव टू पे एटी फाइव रुपीज़ तो डॉलर और रुपये के बीच में जो एक्सचेंज रेट है उसमें जब जब रुपया वीकेंड होता है कमज़ोर होता है तो फिर इंडिया को डॉलर पेमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं दैट इज़ इंडियाज़ वलनरेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुएसन इन द प्राइस ऑफ डॉलर तो मुद्दा ये है कि अभी तक ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड चाहे इंडिया के ट्रेड हों या इन जनरल भी डॉलर में होते रहे हैं बट अब दुनिया के देश डॉलर के ऊपर एक्सेसिव डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं और क्यों क्योंकि एक्सेसिव डिपेंडेंस और यूज ऑफ डॉलर मेक्स दीज कंट्रीज वलनरेबल एज फार एज फ्लक्चुएसन ऑफ देयर लोकल करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर प्राइस कंसर्न तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और यू ने यह अग्रीमेंट साइन किया है अब क्या होगा कि मान लीजिए कि यू से इंडिया कुछ इम्पोर्ट करता है कुछ भी सामान इम्पोर्ट करता है तो इंडिया विल बी एबल टू तो मेक इंडियन इम्पोर्टर्स विल बी एबल टू तो मेक पेमेंट इन इंडियन रुपीस सिमिलरली अगर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करता है यू को तो यू के जो इम्पोर्टर्स है दे विल बी एबल टू तो मेक पेमेंट इन देयर ओन लोकल करेंसी विच इज़ डेरहम सो दिस विल हेल्प इंडिया इन सेविंग इट्स फॉरक्स रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व मेनली हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट्स में यानी कि डॉलर वगैरह में रखते हैं या गोल्ड में रखते हैं तो अभी डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना होगा तो, तो दैट विल हेल्प इंडिया इन सेविंग आर फॉरेक्स रिजर्व तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर लार्जर गोल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी ये तो यू के साथ जो हमने अग्रीमेंट साइन किया इसी तरीके के अग्रीमेंट हमने कई सारे और देशों के साथ भी साइन कर रखा है और ये सब हाल फिलहाल में ही किए गए हैं तो इनफैक्ट रिसेंटली ये दिसंबर 2022 में लगभग 18 देशों के सेंट्रल बैंक ने अपने अपने देशों के जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको परमिशन दिया इंडिया के अंदर स्पेशल अकाउंट जिनको हम लोग कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलने के लिए सो दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी कुड बी कंडक्टेड तो 18 देश आप कह सकते हैं इस तरीके से ऑन बोर्ड हैं टू कंडक्ट ट्रेड विथ इंडिया इन रूपीज़ सिमिलरली आप देखिए बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश हैं दे एव ऑल्सो एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट टू डू ट्रेड विथ इंडिया इन रुपी यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह कहते हुए कि श्रीलंका इज नॉट अवर्स टू यूजिंग इंडियन रुपी एज कॉमन करेंसी फॉर ट्रेड लेकिन इसमें चैलेंज क्या है आखिर हम लोग रुपी को ट्रेड के लिए प्रमोट कर रहे हैं यूएई के साथ पहले हमने रसिया के साथ किया तो दिक्कत कहाँ आ रही है आखिर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या हम लोग ऐसे ही प्रमोट करते करते रुपी को डॉलर के बराबर ला सकते हैं तो इसका जवाब है नो देर इज सम लॉजिकल चैलेंज इन टेकिंग दिस पाथ टू मेक रुपी अ ट्रूली इंटरनेशनल करेंसी क्या लॉजिकल चैलेंज है वो ज़रा समझिए इसको हम इस चैलेंज को हम समझेंगे विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड दैट एग्जाम्पल इज़ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया रसिया ट्रेड तो रसिया के ऊपर पिछले साल यू एस और उसके वेस्टर्न यूरोपियन अलाइज ने ट्रेड सेंक्शंस लगाया तो so, रसिया के जो बैंक्स हैं उनके सारे डॉलर के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए यूरोज़ के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए तो so, इस कारण से रसिया के जो इम्पोर्टर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो गया इन डॉलर या यूरोज वैसे हालात में रसिया चूंकि एक मेजर एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस और ऑयल का और यूएस और यूरोप उससे नेचुरल गैस और ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया था तो वैसे हालात में रसिया के लिए एक बड़ा ही ओबियस ऑप्शन रह गया टू एक्सपोर्ट ऑयल एंड नैचुरल गैस टू कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड इंडिया इंडिया और चाइना जैसे देशों ने इस सिचुएशन का थोड़ा फायदा भी उठाया अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने रसिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया इसी तरीके का अग्रीमेंट जो अभी हमने यू के साथ साइन किया है वे वी डिसाइडेड और वे वी अग्रीड कि हम लोग ऑयल और नेचुरल गैस रसिया के से खरीदेंगे बट वी विल मेक पेमेंट इन आवर ओन लोकल करेंसी दैट इज़ रूपी और रसिया के पास कोई ऑप्शन था नहीं तो रसिया ने इस अग्रीमेंट को मान लिया ठीक है और हमने ये भी कहा कि ठीक है अगर रसियन एक्सपोर्टर्स हमारे यहाँ कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग आ, आ, या, अगर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करता हम सो सॉरी इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करता है रसिया में तो उस केस में इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो रूबल में यानी कि रसियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो मुद्दा ये है कि जिस तरीके का अग्रीमेंट हमने अभी यू के साथ साइन किया है ऐसा अग्रीमेंट हमने रसिया के साथ साइन किया और ख़ूब सारा ऑयल नेचुरल गैस वहाँ से इम्पोर्ट करने लगे लगभग सेवन टाइम्स तक का हमारा ट्रेड बढ़ा रसिया के साथ लास्ट ईयर ऑयल और नेचुरल गैस खासकर रसिया बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस सरपासिंग इराक और हमने खूब सारा पेमेंट रुपए में करना शुरू किया बट ओवरऑल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है रसिया के साथ यानी कि जितना सामान हम रसिया से खरीदते हैं वो कहीं ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू जितना सामान हम रसिया में बेचते हैं तो ओवरऑल इंडिया से पैसा जाना होता है रसिया को इन द नेट पेमेंट सिस्टम ओवरऑल पेमेंट सिस्टम रसिया हैज ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट विथ रसिया तो अल्टीमेटली ये जो रूपी रूबल अग्रीमेंट हमने साइन किया रसिया के साथ उसमें टेक्निकली इंडिया जो है वो रूबल में आ, इंडिया जो है वो रुपी में पेमेंट कर सकता था रसिया जो है वो रूबल में पेमेंट कर सकता था लेकिन हम लोग रसिया से इतना सारा सामान खरीदते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते नहीं हैं रसिया को तो अल्टीमेटली ओवरऑल लेवल पे मोर एंड मोर इंडियन रुपी वेंट टू रसिया मोर एंड मोर इंडियन रुपी वेंट टू रसिया रसिया के पास बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो गया और रुपये से वो ट्रेड सिर्फ़ इंडिया से कर सकता है क्योंकि रुपया बाकी देशों के साथ ट्रेड में चलेगा नहीं और इंडिया के पास इतना सामान है नहीं जो रसिया के नीड्स को पूरा कर सके तो यहाँ जा के मामला जो है वो फंस जाता है लॉजिकल चैलेंज आता है इस पर्टिकुलर अप्रोच में अगर मान लीजिए कि दोनों देश बराबर बराबर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते कि 50 बिलियन डॉलर का सामान हमने रसिया में बेचा और 50 बिलियन डॉलर का सामान रसिया ने इंडिया में बेचा उस केस में काफ़ी सरलता हम लोग रुपए में पेमेंट करते वो हमें रूबल में पेमेंट करता बाद में वही रूबल का हम इस्तेमाल कर देते रसिया को वापस से पेमेंट करने में और रसियंस वही रुपये का इस्तेमाल कर देते हमें पेमेंट देने में तो मामला ऑफसेट हो जाता लेकिन ओवरऑल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहा रसिया के साथ एंड दैट इज़ वाई ओवरऑल रसिया के पास बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडेड डेफिसिट एंड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट द एक्सेसिव एक्ूमलेसन ऑफ रुपी विथ रसिया इज़ अनयूजेबल फॉर रसिया बिकॉज रुपी इज़ नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी सो रसिया कैन नॉट यूज दैट करेंसी फॉर मेकिंग ट्रेड विथ एनी अदर कंट्री एंड दैट इज़ वाई वेरी रिसेंटली वी सॉ कि रसिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं दे रिफ्यूज टू टेक फर्दर पेमेंट इन टू रुपीज उन्होंने कहा कि नहीं अब हम रुपए में पेमेंट नहीं ले सकते अब हमें या तो आप युआन में पेमेंट पेमें करो क्योंकि डॉलर और यूरो में तो वो ले नहीं सकते अकाउंट्स फ्रोज़न हैं डॉलर यूरोस के तो या तो हमें यूआन में पेमेंट करो जो चाइना की करेंसी अदरवाइज इंडिया में इंडियन रुपी में हम पेमेंट नहीं लेंगे अब ये जो रुपी डिरहम हमने अग्रीमेंट साइन किया है इट इज़ इन द सेम लाइन विद द रुपी रूबल अग्रीमेंट दैट वी हैड साइन विथ रसिया लेकिन रसिया की तरह ही इंडिया और यू का भी ट्रेड डेफिसिट है मतलब इंडिया और यू के ट्रेड में भी इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट है मतलब इंडिया सामान कम बेचता है यू को और यू से ज़्यादा सामान खरीदता है तो अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होगा मोर एंड मोर रुपी विल फ्लो टू यू एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू ए विल स्टॉप टेकिंग मोर एंड मोर पेमेंट इन रुपी बिकॉज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट दैट रुपी इज़ ऑफ नो यूज टू यू तो ये एक लॉजिकल चैलेंज है जिन देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है हम चाहते हैं कि उन देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड हो कि खूब सारा रुपए में हम ट्रेड करें हमारा फॉरेक्स रिजर्व डॉलर्स बच जाए लेकिन वो देश जो जिसका हमारे साथ ट्रेड सरप्लस है वो बेचारा कब तक रुपए में पेमेंट लेगा दैट इज़ अ लॉजिकल चैलेंज राइट और दूसरे तरफ एक चैलेंज क्या है जैसे बांग्लादेश नेपाल या फिर श्रीलंका जैसे देश जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यानी कि उन देशों में इंडिया सामान बेचता ज़्यादा है उनसे खरीदता कम है अगर उनके साथ हमने लोकल करेंसी में एग्रीमेंट कर लिया जैसे बांग्लादेश के साथ हमने रुपयी टका एग्रीमेंट कर लिया तो देखिए बांग्लादेश इंडिया में लगभग दो बिलियन डॉलर का सामान बेचता है जबकि इंडिया बांग्लादेश में लगभग चौदह बिलियन डॉलर का सामान बेचता है तो बारह बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो गया बांग्लादेश के लिए थ रिस्पेक्ट टू इंडिया तो हर साल अगर हम रुपी और टका में ट्रेड करना शुरू कर दें तो हर साल लगभग बारह टका लगभग बारह बिलियन डॉलर के अमाउंट का टका बांग्लादेश से इंडिया आता रहेगा बारह बिलियन डॉलर का क्योंकि बारह बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है बांग्लादेश का इंडिया के साथ तो हर साल लगभग 12 बिलियन डॉलर के बराबर का टका बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आएगा और उस टका का हम करेंगे क्या आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि बांग्लादेश का तो हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है ज़्यादातर सामान जो इंडिया को चाहिए वो बांग्लादेश में मिलता नहीं है सिमिलरली फॉर इंडियन लंकन रुपीज़ लंका का श्रीलंका का हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है तो बहुत सारा श्रीलंकन रुपया इकट्ठा करके हम करेंगे क्या सो so ये सबसे बड़ा लॉजिकल चैलेंज है इन प्रमोटिंग ट्रेड विथ डिफरेंट कंट्रीज इन लोकल करेंसी इसका देखिए बेस लाइन यही है अगर आपको रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाना है तो इन देशों के साथ बाइलेटरल ट्रेड करने से नहीं होगा क्योंकि किसी के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होगा तो किसी के साथ ट्रेड डेफिसिट होगा जिसके साथ ट्रेड डेफिसिट होगा उस कंट्री के पास जैसे यू के पास लॉन्ग रन में बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो जाएगा फिर वो हमसे ट्रेड करना बंद कर देगा रुपी में जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है उसके साथ हम ट्रेड करेंगे लोकल करेंसी में तो हमारे पास बहुत सारा उनका लोकल करेंसी इकट्ठा हो जाएगा और फिर उनके साथ हम ट्रेड बंद कर देंगे लोकल करेंसी में तो ये सस्टेनेबल मॉडल बहुत लंबे समय तक है नहीं अगर इंडिया को सच में अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनानी है तो समहाउ इंडिया विल हैव टू इन्श्योर कि दुनिया के बाकी देश जब आपस में ट्रेड करें तो वो रुपए में ट्रेड करें फॉर एग्जांपल यूएई ए रसिया जब आपस में ट्रेड करो तो रुपए में करें लाइकवाइज बांग्लादेश रसिया यू बांग्लादेश तब जाकर के क्या होगा कि मान लीजिए कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ खूब ट्रेड किया और इंडिया के पास बहुत सारा टका इकट्ठा हो गया सो वट इंडिया विल डू इंडिया विल यूज़ द सेम टका फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू बांग्लादेश एंड टेक बैक इट्स रुपीज़ इट विल यूज़ द सेम रुपी टू मेक पेमेंट टू यू एू ए कैन टेक द सेम रुपी एंड मेक पेमेंट टू रसिया तो जिस तरीके से डॉलर की अभी पोजिशन है कि दुनिया के तमाम देश सिर्फ यू एस के साथ ट्रेड करते वक्त नहीं आपस में भी जब ट्रेड करते हैं तो डॉलर का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से अगर हमें रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनाना है तो इंश्योर करना होगा कि बाकी देश भी जब आपस में ट्रेड करें तो रुपये में ट्रेड करें हमारा सिर्फ बायोलेटरल एग्रीमेंट साइन करने से जैसे यू के साथ हमने बायोलेटरल एग्रीमेंट साइन कर दिया रुपी दिरहम का रसिया के साथ साइन कर लिया रुपी रूबल का सिर्फ इसको साइन करने से बांग्लादेश के साथ अगर हम रुपी टका में अग्रीमेंट ट्रेड करने लगे इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि दैट इज़ नॉट ए सस्टेनेबल मॉडल इन लॉन्ग रन ये काफ़ी कॉन्सेपचुअल टॉपिक था और आने वाले साल के लिए चाहे यू पी एस हो या ए पी एस हो आने वाले साल में मेंस टॉपिक्स के लिए में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी तो काफ़ी कॉन्सेपचुअल है और इम्पॉर्टेंट भी है इस टॉपिक के बेसिस पे ये कॉन्सप्चुअल क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट इट इज अबाउट मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जी एस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि पोवर्टी को सिर्फ पैसों में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए पोवर्टी इज़ नॉट ए यूनी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम इट इज अ मल्टीडायमेंशनल कॉन्सेप्ट पोवर्टी में को अगर मेजर करना है तो हमें ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन सब मेजर करना होगा तो इसी तरीके से फिर इंटरनेशनल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट लाया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओ उसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करना शुरू किया जिसमें तीन बेसिक uh, डायमेंशंस में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर किया जाता है हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्थ के अंदर भी अलग अलग सब इंडेक्स हैं न्यूट्रिशन चाइल्ड एंड अडोल्ट एंड मोर्टालिटी मटरनल हेल्थ सबका अपना अपना वेटेज है तो हेल्थ का ओवरऑल वेटेज है वन थर्ड फिर हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन का वेटेज है अपना वन सिक्सथ ओवरऑल वन टवेल्थ चाइल्ड एंड अडोल्ट एंड मोर्टेलिटी का इस तरीके से हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इतने सारे क्राइटेरियाज आते हैं तो ये सब मिला करके मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी मेजर की जाती है ये एक इंटरनेशनल या ग्लोबल कॉन्सेप्ट था फिर नीति आयोग ने क्या किया कि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इंडिया के अंदर अप्लाई कर दिया और स्टेट वाइज रैंकिंग निकालना शुरू कर दिया स्कोर देना शुरू कर दिया कि किस स्टेट में कितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है और उसके क्या रैंक है ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में तो हमारे देश में आजकल पॉवर्टी ऐसे ही मेजर की जा रही है पहले वाला तरीका हमने काफ़ी टाइम से डिस्कार्ड कर दिया है कि एक पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर देते थे थर्टी थ्री रुपीज़ थर्टी फाइव रुपीज़ वो हमने डिस्कार्ड कर दिया आजकल हमारे देश में ऐसे ही पॉवर्टी मेजर की जाती है तो नीति आयोग अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश करता है पहला इस तरीके का रिपोर्ट नीति आयोग ने पब्लिश किया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में करंट न्यूज़ ये है कि नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पार्ट टू पब्लिश किया है करेंटली और ये जो 2023 में रिपोर्ट आया है नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखिए इंडिया के अंदर ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल पुअर लोगों की संख्या 24.85 परसेंट से घट करके हो गई है 14.96 परसेंट फ्रॉम ईयर 2015-16 फिफ्टीन टू ईयर टू थाउजेंड एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखा जाए तो लगभग साढ़े करोड़ लोग थर्टीन करोड़ लोग जो हैं मल्टी डायमेंशनली पोवर्टी uh, से बाहर निकल करके आए हैं यानी कि 24 परसेंट से घट कर के जो 14 परसेंट हुआ है यानी कि 10 परसेंट जनसंख्या जो लगभग साढ़े तेरह करोड़ के आसपास है वो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी लाइन से ऊपर आई है बट अभी भी वन इन एवरी सेवन इंडियन पर्सन इज़ मल्टी डायमेंशनली पुअर ये कुछ की डेटा हैं पोवर्टी पे कभी भी मेंस में आप आंसर लिख रहे हो तो आपको इन डेटा का इस्तेमाल करना है मल्टी डायमेंशनल पुअर कितने है जी? तेरा तेरा हैं जी 14.96 पॉइंट नाइन सिक्स तेरह साढ़े तेरह करोड़ लोग इससे बाहर आए बट वन आउट ऑफ सेवन इंडियन इज स्टिल मल्टी डायमेंशनली पुअर भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले दस सालों में तब जाकर के मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की संख्या घटी है फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड पोषण अभियान अनिमिया मुक्त भारत सैनिटेशन से रिलेटेड स्वच्छ भारत मिशन जल जीवन मिशन कुकिंग फ्यूल से रिलेटेड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें आपको पता होगा कि फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है टू तो रूरल हाउस होल्ड इनिशिएटिव्स लाइक सौभाग्य फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग हाल फिलहाल में आवास योजना से रिलेटेड न्यूज़ था आसाम में आपको याद होगा जहाँ पे गृह प्रवेश कराया गया कई सारे लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बना करके तो ये सब कई सारे इनिशिएटिव्स हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना फॉर बैंकिंग समग्र शिक्षा फॉर एजुकेशन ऑल सच इनिशिएटिव्स हैव हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग आउट अबाउट 13.5 करोड़ पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन लास्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स अगर आसाम की बात की जाए तो आसाम के अंदर मल्टी डायमेंशनल पुअर लोगों की संख्या घटी है 2015-16 के रिपोर्ट के हिसाब से 32.65 परसेंट पीपल इन आसाम वेयर मल्टी डायमेंशनली पुअर जो अभी वाले रिपोर्ट के हिसाब से जब अभी जो रिपोर्ट पब्लिश किया नीति आयोग ने उसके हिसाब से अब सिर्फ 19.35 परसेंट पीपल इन आसाम आर मल्टी डायमेंशनली पुअर तो 32.65 से घट करके 19.35 परसेंट हो गया है मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों का पॉपुलेशन तो अगर इंप्रूवमेंट देखा जाए तो आसामी सेवेंथ इन नंबर एज़ फार एज़ इम्प्रूवमेंट इज़ कंसर्न सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बिहार ने दिखाया है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़ और फिर आसाम ने आसाम के अंदर लगभग परसेंटेज वाइज बात की जाए तो तेरह परसेंट लोग मल्टी डायमेंशनली पोवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं बट अभी भी आसाम इंडिया के अंदर छठा सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट्स के में आता है परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन में क्या मैं कह रहा हूँ समझिए हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है सेवंथ लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट दिखाया है लेकिन अगर रैंकिंग देखी जाए गरीबों की तो परसेंटेज वाइज आसाम के अंदर मल्टी डायमेंशनल पुअर लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड दैट मेक्स आसाम सिक्स लार्जेस्ट स्टेट आज़ फर आज द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इज़ कंसर्न इन आसाम परसेंटेज वाइज तो मल्टी डायमेंशनल पुअर की बात की जाए तीन डायमेंशन हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर मेजर किया जाता है नीति आयोग ने हाल फिलहाल में सेकंड रिपोर्ट पब्लिश किया है लगभग 24 परसेंट मल्टी डायमेंशनल पुअर जो 2015-16 में थे तो उससे घट करके 14 परसेंट हो गए दो हज़ार उन्नीस में बट स्टिल वन आउट ऑफ सेवन इंडियंस आर मल्टी डायमेंशनली पुअर आसाम की बात की जाए तो सेवन्थ मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट है बट सिक्स हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग भी हैं पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज परसेंटेज वाइज यहाँ पर होगा पीएम मित्रा स्कीम दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस इज पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए पीएम मित्रा स्कीम इज एसोसिएटेड विथ टेक्सटाइल सेक्टर पीएम मित्रा स्कीम बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था जिसके अंतर्गत इंडिया के अंदर सात अलग अलग जगहों पे टेक्सटाइल रिलेटेड मेगा पार्क्स लगाए जाएंगे देखिए टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन टेक्सटाइल सेक्टर करता है टेक्सटाइल सेक्टर एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है इसका एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी काफ़ी हाई है यानी कि इट क्रिएट्स लार्जर नंबर ऑफ जॉब्स फॉर पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी तो इस कारण से टेक्सटाइल सेक्टर को भारत सरकार प्रमोट कर रही है फॉर अड्रेसिंग द प्रॉब ऑफ़ जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया विच इंडियन इकोनमीज फेसिंग राइट नाउ और टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आ रही है पीएम मित्रा स्कीम सात अलग अलग जगहों पे सात बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे जिसका गोल होगा इंडिया को ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाना नेट ओवरऑल एक्सपोर्टर बनाना तो इसके लिए सात अलग अलग स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर सेटिंग अप सेवन टेक्सटाइल पार्कस अंडर पी एम मित्रा स्कीम और ये जो सात अलग अलग स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए वह तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो हर टेक्सटाइल पार्क के लिए पाँच सौ करोड़ रुपये कैपिटल सब्सिडी के तौर पर एलोकेट करेगी यानी कि सात पार्क के लिए तीन हजार पाँच सौ करोड़ रुपये अलोकेट किए जाएंगे तो पी एम मित्रा स्कीम सेवन टेक्सटाइल पार्क्स एम टू मेक इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन टेक्सटाइल सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको इं इंप्लीमेंट कर रही है कैपिटल सपोर्ट ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड करोड़ पर पार्क इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट इज अबाउट भूमि सम्मान अवार्ड 2023 ट्वेंटी थ्री एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मारेबस फाइव असाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हाल फिलहाल में हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भूमि सम्मान अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को तो नाइन सेक्रेटरीज एंड सिक्सटी एट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैव बिन गिवन दिस भूमि सम्मान अवार्ड क्या है भूमि सम्मान अवार्ड वो भी ज़रा देखते हैं भूमि सम्मान अवार्ड दिया जा रहा है टू तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स फॉर देयर गुड वर्क टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड डिजिटाइजेशन देखिए लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम आई एम सो सॉरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जिसका गोल है कि 31 मार्च 2024 तक जितने लैंड रिकॉर्ड्स हैं सबको डिजिटाइज कर दिया जाए तो जिन जिन डिस्ट्रिक्स में हंड्रेड परसेंट अभी ही डिजिटाइजेशन हो चुका है उन डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को प्रधानमंत्री एम सो सॉरी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भूमि सम्मान अवार्ड दिया है तो ये नया अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है भूमि सम्मान अवार्ड जो लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के लिए दिया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनिटा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जिसका गोल मौने� है इकत्तीस मार्च दो तक हंड्रेड डिजिटाइजेशन किया जाए लैंड रिकॉर्ड का और इंपॉर्टेंट बात यह है कि डरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम असम टू हैव अचीव्ड भूमि सम्मान 2023 ट्वेंटी अवार्ड बिकॉज इट हैज अचीव्ड हंड्रेड परसेंट ऑफ लैंड डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड्स तो भारत सम्मान अवार्ड आई एम सो सॉरी भूमि सम्मान अवार्ड्स 2023 फॉर स्पीडी इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एम टू हैव 100 परसेंट सेचुरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बट थर्टी फर्स्ट मार्च 2024, दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम टू गेट द अवार्ड कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है ऑल बे ऑफ बेंगालल स्टेट्स आर नॉट मम्बर देखिए श्रीलंका इंडिया बांग्लादेश म्यंमार थाईलैंड तक तो मेम्बर हैं लेकिन बे ऑफ में ये भी तो ओपन होता है इंडोनेशिया इंडोनेशिया तो मेंबर नहीं है इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है एंड रैपिड इंक्रीज बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट बेस इफेक्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग